साथ एक और कैंडिडेट है, इनसे जानते हैं कैसा रहा इनका एग्ज़ाम। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम तो कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। कितना क्वेश्चन बनाए आपने? मैंने 17 टच किया। 17? अच्छा, ये बताएं कि जीके का कोई क्वेश्चन याद होगा, किस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था? जैसे कि नदी वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था? किससे? नदी वगैरह से, नदी के बारे में कुछ? नहीं नहीं नहीं, नदी के बारे में नहीं कुछ पूछा गया। क्या क्या चीज़ से क्वेश्चन था? साइंस और मैथ रीजनिंग, यही था। अच्छा, जीके का कितना क्वेश्चन था लगभग? जीके का वही लगभग 10 से 15 होगा बस। करंट अफेयर कितने महीना का पूछा जा रहा है, 20 वाला है या 22 वाला भी है? 22 वाला है सिर्फ। हाँ, 22। करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आपको याद होगा, किसी से रिलेटेड था? अभी तो आउट ऑफ माइंड है, क्योंकि मैंने अभी प्रिपेयर और बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ अभी मैं, क्योंकि इस लेवल का एग्ज़ाम मैंने कभी फेस नहीं किया। ग्रुप डी है, और इससे पहले मैंने LP वाला, NTPC वाला जो एग्ज़ाम दिया था उससे भी ज़्यादा टफ है ये। उससे भी ज़्यादा टफ? हाँ। अच्छा, ये बताए कि जो करंट अफेयर का सेक्शन है उसमें कोई स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आया था, स्पोर्ट्स वगैरह से? स्पोर्ट्स से नहीं आया था, बट हाँ वो कमेटी की तरफ से आया था, स्पोर्ट्स कमेटी की तरफ से आया था, स्पोर्ट्स से नहीं। क्या कोई क्वेश्चन याद होगा था? हाँ, ये याद है मुझे, मुंबई और नवी मुंबई में जो मतलब एक होने वाला है 2022 में, जो कि मेजबानी करेगा, होस्टिंग करेगा इंडिया, तो उसके बारे में दिया हुआ था। और तो एक दो और दिया हुआ था बस। फिजिक्स के बारे में बताया, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन याद होगा आपको? फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स से क्वेश्चन अगर होगा अभी तो 3 से 2 होगा, 3 से 5। ओम्स लॉ वगैरह से क्वेश्चन आ रहे थे? हाँ बिल्कुल। रेसिस्टेंट वाला कोई क्वेश्चन आया होगा? नहीं। केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बता सकते हैं? मैंने बोला अभी जस्ट, मैं अभी नर्वस हूँ। बायोलॉजी में कोई फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया था? नहीं, फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं नहीं नहीं। रीजनिंग में क्या लगता है किस टॉपिक से क्वेश्चन आया, जैसे कि सिलोक्स वगैरह से कितने? सिलोक्स में थे, नंबर भी थे, नंबर सिस्टम भी थी। अच्छा, कोडिंग रिकॉर्डिंग? कोडिंग, हाँ कोडिंग भी थी। अच्छा, बस इतना ही था। हाँ, पाई चार्ट भी था एक। हाँ। अच्छा, मैथ की बात करें, मैथ में परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था? नहीं, बहुत कम था, प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत कम था। अच्छा। जितना मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा था। कितना क्वेश्चन था लगभग? अप्रोक्स मैथ से बहुत ज़्यादा था यार। और कोई टॉपिक याद होगा? 30 प्लस था। 30 प्लस का क्वेश्चन था। और कोई कुछ याद होगा टॉपिक? मैंने फिर से बोला, मैं अभी नर्वस हूँ, मैं अभी पहले मेंटलिटी अपना पहले पूरा कर लेता हूँ। अच्छा। मेरा क्या होने वाला है मैं खुद नहीं जानता, मैंने इससे ज़्यादा हार्ड मैंने कभी नहीं दिया एग्जाम ना। चलो ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।